हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स जो फुल ऑफ मिरेकल्स है। ऐसे ही आज हम बात करेंगे एक ऐसे फोर्स की जो होकर भी नहीं है, यानी कि एक फ्रेम से नजर आता है, दूसरे फ्रेम से नजर नहीं आता है। हम बात करेंगे वो फ्रेम कौन से हैं और उस फोर्स का यूज कैसे हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अगर आप एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं ग्राउंड पर खड़े रह के, जैसे कि रोड पे रखा हुआ कोई स्टोन, कोई पेड़ या कोई भी स्टेशनरी चीज, तो अगर हम किसी स्टोन का ऑब्जर्वेशन करते हैं जो कहीं नहीं चल रहा है और आप एक ऑब्जर्वर हैं, तो अगर आपसे उसके मोशन और उसके फोर्सेस के बारे में पूछा जाए तो आप बड़े ही इजिली उसके मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप कहेंगे कि उस पर लगने वाले दो फोर्स हैं, एक उसका ग्रेविटी का फोर्स mg और दूसरा जो सरफेस लगा रही है नॉर्मल फोर्स। इन दोनों का नेट फोर्स जीरो है और ये ऑब्जेक्ट कहीं भी एक्सेलरेट नहीं हो रहा है। आपने बड़ी ही खूबसूरती से उसका एक्सप्लेन कर दिया। जबकि अगर यही ऑब्जर्वेशन आप किसी एक्सेलरेटेड कार से करें, आप कार में चल रहे हैं और आपकी कार आगे की डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है, तो आपको दिखेगा कि वो स्टोन पीछे की डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए उसके फोर्सेस के बारे में तो आपको फिर से वही दोनों फोर्स नजर आएंगे, एक ग्रेविटी का फोर्स mg और एक नॉर्मल, लेकिन उसको पीछे की डायरेक्शन में जो एक्सेलरेट करने वाला फोर्स है वो आपको नजर नहीं आएगा। तो आप देखिए उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठ के। तो आपके लिए जनरेट किया गया एक इमेजिनरी फोर्स जो जरूरी है इस तरह के मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम से। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फ्रेम है वो कितने तरीके के होते हैं और किस फ्रेम में हम स्यूडो फोर्स को लगा पाते हैं। आप देखिए कैटेगरी वाइज दो तरह के फ्रेम होते हैं। एक फ्रेम जो एक्सेलरेटेड नहीं है, इसको कहा जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा वो फ्रेम जो एक्सेलरेटेड कंडीशन में है, अगर इस पर बैठ के हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो इस तरह के फ्रेम को कहा जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर हम इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें बॉडीज पे सारे के सारे रियल फोर्सेस ही नजर आते हैं, लेकिन अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम से बैठ के हम चीजों को ऑब्जर्व करें तो हमें उन पर लगने वाले सारे रियल फोर्सेस के अलावा एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की जरूरत फील होती है अगर हम उसके मोशन को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो, जबकि वो फोर्स है ही नहीं। तो इस इमेजिनरी फोर्स की जरूरत पड़ती है जब भी हम किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे होते हैं। इस इमेजिनरी फोर्स को कहा जाता है स्यूडो फोर्स। अब बात आती है कि स्यूडो फोर्स का वैल्यू कितना होता है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो जैसा भी हमने ऑब्जर्व किया कि अगर हम कार में आगे की डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहे हैं तो हमें ये स्टोन एक्चुअली पीछे की डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता हुआ फील होता है। अगर इसका एक्सेलरेशन पीछे की डायरेक्शन में है सो ऑब्वियसली इस पे लगने वाला नेट फोर्स भी पीछे ही होगा, जो कि हमारे एक्सेलरेशन से अपोजिट है। यानी कि स्यूडो फोर्स का जो डायरेक्शन आएगा वो एक्सेलरेटेड फ्रेम जिससे हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उससे जस्ट अपोजिट आएगा। अब रही बात मैग्नीट्यूड ऑफ द स्यूडो फोर्स की, तो आप ही देखिए हमें इस स्टोन पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है, अगर उसका वैल्यू हम a ले लेते हैं, इस स्टोन का जो मास है वो m ले लेते हैं, तो आप ही देखिए अगर m मास का बॉडी a एक्सेलरेशन से चल रहा है तो ऑब्वियसली उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो m into a के बराबर होगा। और इस स्टोन पर लगने वाला हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई रियल फोर्स नहीं है तो स्यूडो फोर्स ही होना चाहिए। तो स्यूडो फोर्स का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, यानी के m into a के बराबर। तो हमने देखा कि स्यूडो फोर्स कब लगाते हैं, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम से, कितना होता है m into a के बराबर, जहां m बॉडी का मास है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, a हमारे फ्रेम का एक्सेलरेशन है, और किस डायरेक्शन में लगता है, हमारे फ्रेम के एक्सेलरेशन से अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप ये देखिए इस कंसेप्ट का यूज करते हुए हम दो केसेस एनालाइज करते हैं और ये देखते हैं कि अगर हमें स्यूडो फोर्स किसी न्यूमेरिकल में यूज करना हो तो कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एक बेस ब्लॉक जो कि एक क्यूबॉइड शेप का है और इसके ऊपर एक m2 मास रखा है, साथ में एक m1 मास जो हैंगिंग पोजिशन में है और ये आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग एंड अ लाइट पुली ऑल्सो। तो आप ही देखिए अगर आपसे ये कहा जाता है कि आप इस सिस्टम को छोड़ दें, m1 जो मास है वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आ जाएगा और m2 मास इस स्ट्रिंग के टेंशन की वजह से
राइट में मूव कर जाएगा। तो अगर आपसे ये कहा जाता है कि आप कुछ ऐसा अरेंजमेंट कीजिए कि M1 M2 ब्लॉक इस बेस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में मूव ना करें, तो आप ही देखिए हमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि M2 पे जो टेंशन राइट में लग रहा है और उसको खींच के राइट में ले जा रहा है, अगर उसको कोई फोर्स बैलेंस कर लेता है तो ये M2 ब्लॉक मूव नहीं करेगा। और आप ही देखिए हमें अगर फोर्स लेफ्ट में चाहिए तो हमें रियल फोर्स तो कोई नजर नहीं आ रहा है, तो स्यूडो फोर्स की हेल्प लेनी होगी। और स्यूडो फोर्स चूंकि हमें लेफ्ट में चाहिए तो हमें अपने फ्रेम को एक्सेलरेट करना होगा राइट वाले डायरेक्शन में, और हम वो फ्रेम लेते हैं ये नीचे वाला बेस ब्लॉक। तो नीचे वाले बेस ब्लॉक को अगर हम राइट वाले डायरेक्शन में एक्सेलरेट करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं इसका एक्सेलरेशन ए है, तो आप ही देखिए M2 पे लगने वाले फोर्सेस का एनालिसिस करें। तो M2 पे एक लेफ्ट में फोर्स लगेगा M2 इनटू ए और राइट में लगेगा टेंशन। तो अगर ये मूव नहीं कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू वेज और हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू द बेस वेज, तो M2 पे नेट फोर्स हमें जीरो नजर आएगा इस बेस वाले वेज के रेस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे राइट वाला जो टेंशन टी है वो बराबर हो जाएगा M2 इनटू ए के। तो हमारी पहली इक्वेशन आती है टी इक्वल्स M2 इनटू ए, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। दूसरी तरफ अगर हम M1 को ऑब्जर्व करें तो यहां से हमारे पास इक्वेशन आएगा M1G इक्वल्स टी। तो एक इक्वेशन हमारे पास आता है टी इक्वल M1G, दूसरा इक्वेशन आता है टी इक्वल M2A। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व अगर हम करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आता है M1G इक्वल्स M2 इनटू A। सो इसका वैल्यू आएगा हमारे पास M1G डिवाइडेड बाय M2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस एक्सेलरेशन से अगर हम बेस वेज को राइट वाले डायरेक्शन में एक्सेलरेट करते हैं तो ये M1 M2 का सिस्टम इस बेस वेज के रेस्पेक्ट में बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, रिलेटिव मोशन जीरो हो जाएगा। आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं, इस केस में हमने ट्रायंगुलर वेज लिया हुआ है एंड अगेन हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं M1 M2 जिनको आपस में हमने कनेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग एंड पुली जो कि लाइट है। तो आप ही देखिए अगर हम यहां पर M2G को बड़ा लेते हैं M1G साइन थीटा से तो M2 नीचे आएगा, M1 ऊपर जाएगा, और अगर M1G साइन थीटा M2 से बड़ा होता है तो M1 नीचे आएगा और M2 ऊपर जाएगा। तो हम इसमें अज्यूम कर लेते हैं कि M1G साइन थीटा बड़ा है M2G से, तो M1 नीचे आना चाहता है, M2 ऊपर जाना चाहता है, और हम चाहते हैं कि आप नीचे वाले ट्रायंगुलर वेज को इतना एक्सेलरेशन दें कि M1 M2 इस ट्रायंगुलर वेज के रेस्पेक्ट में मूव ना कर पाए। तो आप ये देखिए अगर हम इस ट्रायंगुलर वेज को राइट वाले डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देते हैं, एक्सेलरेशन का वैल्यू अज्यूम किया हमने ए, तो इस M1 पे लेफ्ट वाले डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगेगा M1A। हम ऑब्जर्वेशन कहां से कर रहे हैं, ट्रायंगुलर वेज पर बैठ के, तो हमें सारे रियल फोर्स के अलावा एक स्यूडो फोर्स भी ऑब्जर्व होगा। तो देखिए M1 पे वो स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन आएगा लेफ्ट वाले डायरेक्शन में क्योंकि फ्रेम राइट वाले डायरेक्शन में हमने एक्सेलरेट किया है, और इसका वैल्यू आएगा M1 इनटू A। तो आप ही देखिए M1A और जो वेट है M1G अगर इनको रिजॉल्व करते हैं तो हमें जो कंपोनेंट्स मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग डाउन द प्लेन हमें फोर्स मिल रहा है M1G साइन थीटा, और अप द प्लेन जो हमें फोर्स मिलेगा उसमें एक टेंशन इंक्लूड होगा, साथ में M1A का एक कंपोनेंट आएगा। तो ऊपर की डायरेक्शन में जो नेट फोर्स आएगा उसका वैल्यू आएगा टी प्लस M1A कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर टू प्लेन की अगर बात करें तो अप द प्लेन आएगा नॉर्मल और डाउन द प्लेन आएगा M1A साइन थीटा प्लस MG कॉस थीटा। ऐसे ही अगर M2 का ऑब्जर्वेशन करें तो ऊपर की डायरेक्शन में हमें टेंशन नजर आ रहा है और नीचे की डायरेक्शन में नजर आ रहा है M2G। तो अगर हम इस ट्रायंगुलर वेज पर बैठकर देखते हैं कि M1 M2 बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हैं, यानी कि बेस वेज के रेस्पेक्ट में इन दोनों का रिलेटिव मोशन नहीं है, तो नेट फोर्स हम जीरो करेंगे M1 M2 पे। तो यहां से आप देखिए M2 का इक्वेशन क्या बनेगा, टी इक्वल्स M2G, नेट फोर्स जीरो दिख रहा है हमें, इसको हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। और दूसरा इक्वेशन हमारे M1 से आ जाएगा जिसके लिए हम लिख पाएंगे टी प्लस M1A cos थीटा इक्वल्स M1G sin थीटा। तो आप ही देखिए दूसरा इक्वेशन आ गया। इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन A का वैल्यू आता है M1G sin थीटा माइनस M2G डिवाइडेड बाय M1 cos थीटा। तो आप ही देखिए इतने एक्सेलरेशन से अगर हम इस ट्रायंगुलर वेज को राइट में एक्सेलरेट करते हैं तो M1 M2 का सिस्टम इस ट्रायंगुलर वेज के रेस्पेक्ट में मूव नहीं करता है, रिलेटिव मोशन जीरो होता है। अगर आप देखिए अगर हम इसमें एक्सेलरेशन राइट की बजाय लेफ्ट में देते
तो M1 पे स्यूडो फोर्स राइट में आता, उसका जो कंपोनेंट M1A cos थीटा ऊपर की डायरेक्शन में आया था वो एक्चुअली नीचे आ जाता और ये पहले से भी ज्यादा तेजी से नीचे आता। तो अगर हम चाहते हैं कि ये सिस्टम ना चले तो स्यूडो फोर्स का हमें कंपोनेंट M1 ब्लॉक पे ऊपर की डायरेक्शन में चाहिए, जिससे M1G sin थीटा जो कि टेंशन से बड़ा है और उसको नीचे लाना चाहता है उसको ओपोज कर सके। सो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आपको स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है सो प्लीज शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो। थैंक यू।